गाइस, वेलकम टू द आयुष ब्लॉग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज मैं आपको मॉक्सीवेल बोलस के बारे में बताऊंगा। मॉक्सीवेल बोलस के अंदर मॉक्सीफ्लोक्सासिन है, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक, साथ में लाइसोजाइम क्लोराइड है और लैक्टोबैसिलस एल्प्लेंटन। तो आइए दोस्तों, अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। मॉक्सीफ्लोक्सासिन मॉक्सीवेल बोलस के अंदर 1500 mg डाला गया है। मॉक्सीफ्लोक्सासिन फ्लोरोल क्यूनोलोन ग्रुप का है और इसकी हाफ लाइफ साइकिल 13.5 से 15 घंटे है। और बात करें वायो अवेलेबिलिटी की, तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन की वायो अवेलेबिलिटी 91.7% है, जबकि इंडोफ्लोक्सासिन की 60 है और सिप्रोफ्लोक्सासिन की 70% होती है। और यह मॉक्सीफ्लोक्सासिन 24 घंटे तक MIC मेंटेन करके रखता है। इसी वजह से मॉक्सीवेल बोलस को केवल आपको दिन में एक बार पशु को देना होता। तो दोस्तों, मॉक्सीवेल बोलस अत्यंत प्रभावकारी एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी प्रकार के बैक्टीरिया पर समान रूप से काम करता है। मॉक्सीफ्लोक्सासिन बैक्टीरिया के DNA गारेज पर काम करता है, जिससे बैक्टीरिया को तुरंत खत्म कर देता है। अब बात करें लाइसोजाइम क्लोराइड की, तो लाइसोजाइम क्लोराइड 200 mg डाला गया है मॉक्सीवेल बोलस के अंदर, जो कि शरीर में तेजी से एब्जॉर्ब होता है और तुरंत काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग लैक्टोबैसिलस एल्प्लेंटन की। लैक्टोबैसिलस एल्प्लेंटन 15×10⁻⁹ CFU डाला गया है इसके अंदर। लैक्टोबैसिलस एल्प्लेंटन पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एंटीबायोटिक के प्रभाव को अत्यंत कम कर देता है, जिससे जानवर ऑफ फीड नहीं होता है। यह फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है और रूमन के माइक्रोफ्लोरा को ये ग्रोथ करने में मदद करता है, साथ में रूमन की कंडीशनिंग करता है और डाइजेशन में मदद करता है। तो पशु को एंटीबायोटिक अगर आपको देनी है तो आप मॉक्सीवेल बोलस ही दीजिए। यह सभी प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करती है और इससे पशु ऑफ फीड भी नहीं होता है। अब बात करते हैं हम मॉक्सीवेल बोलस को कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो मॉक्सीवेल बोलस को हम लोग सबसे पहले माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में दे सकते हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है। साथ में इसको आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंको निमोनिया हो गया, पल्मोनरी निमोनिया हो गया। साथ में इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में दे सकते हैं, जैसे बोन हीलिंग में दे सकते हैं आप लोग, FMD में दे सकते हैं, और साथ में इसको आप कंजेक्टिवाइटिस में दे सकते हैं, यूट्राइन इन्फेक्शन में दे सकते हैं, पायोमेट्रा में दे सकते हैं, मेट्राइटिस में दे सकते हैं, इंडोमेट्राइटिस में दे सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वहाँ पर दे सकते हैं, डायरिया एंड ब्लडी डायरिया में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मॉक्सीवेल ऑन इन्फेक्शन गॉन, तो आपको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए देना है पशु को केवल मॉक्सीवेल बोलस। सो थैंक यू गाइस।